पापे की कहानियाँ मस्ती में उड़ो। आज पापा और उसके क्लास के साथ ही चॉकलेट फैक्ट्री का दौरा कर रहे हैं। क्या मैं कुछ चॉकलेट चख सकती हूँ मिस रैबिट? तुम चख सकती हो पापा, लेकिन पहले हमें इसे बनाना होगा। पापा चॉकलेट बनाने के लिए काफी उत्साहित है। हम इसे कैसे बनाएंगे मिस रैबिट? इस मशीन से। हेलो मशीन, क्या आप मेरे लिए थोड़ी सी चॉकलेट बना सकती हो प्लीज? शुक्रिया मशीन। अरे वाह, अब क्या मैं थोड़ा सा चख सकती हूँ प्लीज? अभी नहीं पापा, हमें पहले से सजाना होगा। मेरे साथ आओ। अरे वाह! सभी चॉकलेट सजाने के लिए भी काफी उत्साहित है। तुम सब लोग एक एक चॉकलेट बार सजा सकते हो। ये तो कीचड़ भरे गड्ढे जैसा लग रहा है। हाँ, लेकिन इसमें कूदना नहीं पापा। और आप में से मन पसंद सजावट की चीज लेकर सजा सकते हैं, बस वो जायकेदार होनी चाहिए। मेरा गाजर वाला चॉकलेट बार। स्क्वीक। स्वादिष्ट। मेरा चीजी चॉकलेट बार। यम यम। और मेरा एक स्पेगेटी चॉकलेट बार है। क्योंकि स्ट्रॉबेरी लेस स्पेगेटी जैसी लगती है। ओह स्वादिष्ट। क्या मैं अब कुछ चॉकलेट खा सकती हूँ मिस रैबिट? बस थोड़ी देर में पापा, चॉकलेट को पहले फ्रिज में ठंडा करना होगा। फ्रिज बहुत ठंडा है और वो पिघली हुई चॉकलेट को सख्त बार बना देता है। और हो गया। अरे वाह! क्या हम प्लीज अब कुछ चॉकलेट चख सकते हैं मिस रैबिट? अभी नहीं पै ओ रुको। हाँ तुम चख सकती हो। अरे वाह! स्वादिष्ट। यम यम शानदार। क्या कुछ गड़बड़ है पापा? नहीं, जब चॉकलेट गीली थी जैसे कीचड़ भरे गड्ढे, तब मुझे वो बहुत अच्छी लग रही थी। तो एक और खुशखबरी है, मेरे पास अब सबके लिए एक और ट्रीट है। ये है चॉकलेट फाउंटेन। ये तो एक बड़े से चॉकलेट भरे गड्ढे जैसा लग रहा है, और इसमें डालने के लिए ढेर सारे सेहतमंद फल भी हैं। शुक्रिया मिस रैबिट। पापा को कीचड़ वाले गड्ढे बहुत अच्छे लगते हैं, खास तौर पर वो जो चॉकलेट से बने हो। आज पापा और उसका प्ले ग्रुप एक जूस फैक्ट्री में है। वे सीख रहे हैं कि जूस कैसे बनाते हैं। और ये फल निचोड़ने की मशीन है, ये संतरे से सारा जूस निचोड़ लेती है। क्या मैं संतरे निचोड़ने की कोशिश कर सकती हूँ मिस रैबिट? बेशक, तुम सभी कोशिश कर सकते हो। सभी को संतरे निचोड़ने में बहुत मजा आ रहा है, लेकिन ये काफी मुश्किल काम है। मेरे हाथ थक चुके हैं। कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे पास अगली चीज जूस टॉपर है। स्ट्रॉबेरी से सारा जूस निकालने के लिए स्टॉम्पर में बड़े बड़े बूट्स होते हैं। ओह, क्या मैं पैरों से दबा सकती हूँ मिस रैबिट? हाँ, हर कोई कोशिश कर सकता है। अरे वाह! तो इन जूतों को पहनो और पैरों से दबाओ। ये बिल्कुल कीचड़ भरे गड्ढों में कूदने जैसा है। बहुत अच्छा किया बच्चों, अब मेरे पीछे पीछे आओ। यहाँ पर जूस को डिब्बों में डाला जाता है। हमें स्वाद को डिब्बों में दी गई तस्वीर से मिलाना होगा। तो बताओ ये क्या है? ये लाल है, क्या ये स्ट्रॉबेरी है? शाबाश मैंडी, इसे भरने के लिए लाल बटन दबाओ। अब बताओ ये वाला कौन सा है? ये हरा है, इसलिए सेब है। बिल्कुल सही सूजी। और ये वाला? इसमें बहुत सारे रंग है। शाबाश पापा, तुमने बिल्कुल नए प्रकार का जूस बनाया है। ये रेनबो जूस है।
सभी को लगता है कि रेनबो जूस दिखने में तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। ये कमरा साइका लेने के लिए है। यहाँ हम पक्का करते हैं कि सभी जूस का स्वाद हो लाजवाब। लेकिन इस चीज को मजेदार बनाने के लिए हम गेस करेंगे हर जूस का स्वाद। पेपा और उसके प्ले ग्रुप को जूस टेस्ट करना बहुत अच्छा लगता है। यम, ये तो संतरे का जूस है। ये सेब का जूस है। इसका स्वाद ऐसा है जैसे सारे जूसेस मिला दिए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये है तुम्हारा खास रेनबो जूस। यम यम यम। पेपा को जूस के बारे में सीखना अच्छा लगता है और पेपा को उसका स्वादिष्ट रेनबो जूस बहुत अच्छा लगता है। आज पेपा और उसकी फैमिली सुपरमार्केट में है। सुपरमार्केट के बाहर खिलौनों वाली मशीन लगी हुई है। मैंडी माउस को एक खिलौना मिला है। देखो मम्मी, एक यो-यो। शाबाश मैंडी। पेपा, जॉर्ज, क्या तुम्हें खिलौने वाली मशीन पर जाना है? हाँ प्लीज। ये कैसे चलती है मिस रैबिट? बस एक टोकन खरीदो और इसे स्टॉल में डाल दो, फिर एक गेंद मशीन के निचले हिस्से तक लुढ़कती जाती है और अंदर एक किस्म का खास खिलौना होता है। डायनासोर। जॉर्ज को डायनासोर वाला खिलौना चाहिए। अरे वाह, तुम सब एक एक बार कोशिश कर सकती हो। ये लो कोशिश करो। जॉर्ज के टोकन से मशीन में रोशनी होती है और म्यूजिक बजने लगता है। गेंद पूरी तरह नीचे तक लुढ़कती हुई जाती है। जॉर्ज को खिलौने वाला स्क्रू ड्राइवर मिला है। एक स्क्रू ड्राइवर काम की चीज है। डायनासोर। चिंता मत करो जॉर्ज, मैं डायनासोर भी लाने की कोशिश करूंगी। अब पेपा के टोकन से मशीन में रोशनी होती है और दूसरी गेंद लुढ़कते हुए नीचे की ओर आ जाती है। पेपा को डायनासोर नहीं मिला, लेकिन उसे कुछ बहुत अच्छे स्टिकर्स मिले हैं। डायनासोर। तुम्हें कितने प्यारे खिलौने मिले हैं। लेकिन देखो, हमारी आइसक्रीम पिघलने लगी है। बस मिलने ही वाला था। मुझे लगता है कि डायनासोर अगली बार तुम्हें जरूर मिलेगा। प्लीज, क्या हम एक बार और कोशिश कर सकते हैं मम्मी? प्लीज। अच्छा ठीक है, एक और कोशिश करो। पेपा और जॉर्ज मिलकर खिलौने वाली मशीन का लीवर खींचते हैं, लेकिन इस बार एक भी गेंद नहीं निकली। अरे रे, मैं देखना चाहती थी तुम्हें कौन सा खिलौना मिलेगा। चिंता ना करें मम्मी पिग, मैं इसे ठीक कर दूंगी। मुझे बस अपना स्क्रू ड्राइवर चाहिए। नहीं नहीं। शुक्रिया जॉर्ज। मिस रैबिट ने मशीन को कुछ ज्यादा ही ठीक कर दिया है। अब सारी गेंदें बाहर गिर पड़ी है। अच्छा होगा मैं इन्हें वापस रख दूं। लेकिन तुम्हें ये मिलता है मशीन ठीक करने में मेरी मदद करने के लिए। डायनासोर। शुक्रिया मिस रैबिट, ये आपके लिए। सभी को खिलौने वाली मशीन अच्छी लगती है और जॉर्ज को डायनासोर वाकई अच्छे लगते हैं। आज पेपा और जॉर्ज फन फेयर में आए हैं। हाय पेपा, क्या तुम अब तक फन हाउस में जा चुकी हो? फन हाउस क्या होता है? ये खास तरह का फन फेयर हाउस होता है जिसमें खूब सारे मस्त और मजाकिया कमरे होते हैं। क्या मैं और जॉर्ज फन हाउस में जा सकते हैं? प्लीज प्लीज। हेलो मिस रैबिट, फन हाउस के लिए दो टिकट प्लीज। फन हाउस में जाने के लिए मम्मी पिग को मिस रैबिट से टोकन खरीदने होंगे, लेकिन टोकन की कीमत मम्मी पिग की सोच से कहीं ज्यादा थी। शुक्रिया मम्मी पिग।
इधर से जाइए। अरे वाह, ये डावाडोल पुल है। फन हाउस के बाकी हिस्सों को देखने के लिए इस पर से जाओ। पेपा पुल को काफी धीरे से और सावधानी से पार कर रही है, लेकिन जॉर्ज को तेजी से करने में मजा आ रहा है। तुम्हारा तरीका काफी बेहतर है जॉर्ज। बहुत अच्छे, अब तुम्हें फॉलो करना होगा इन तीरों को। इस तरफ जॉर्ज। ये शीशे काफी हिलते डुलते हैं। फन हाउस के शीशों में पेपा और जॉर्ज वाकई अजीब दिख रहे हैं। इस शीशे में मैं कितनी लंबी दिख रही हूँ, और इसमें तुम्हारा सिर काफी बड़ा दिख रहा है जॉर्ज। और इसमें तुम दिख रहे हो एकदम गोल गोल। और इस शीशे में मैं लग रही हूँ बिल्कुल मिस रैबिट। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं हूँ मिस रैबिट। मेरे पीछे पीछे घुमावदार सुरंग तक आओ। फन हाउस की सुरंग गोल गोल घूमती है और इसमें तेज हवा भी चल रही है। देखो, सुरंग खत्म होने के बाद हमें स्लाइड से नीचे जाना है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी जॉर्ज। पता नहीं इन्हें इतना समय क्यों लग रहा है, कहीं ये खो तो नहीं गए। तुमको कैसा लगा? फन हाउस तो काफी मजेदार था। बहुत बढ़िया, सभी को फन हाउस बहुत अच्छा लगता है क्योंकि फन हाउस वाकई यम्मी मजेदार खाना। आज क्रूज पर पेपा और उसकी फैमिली एक खास तरह की रेस्टोरेंट में है। ये एक खास किस्म का रेस्टोरेंट है जिसे कहा जाता है बुफे। बस एक प्लेट लो और जो आप खाना चाहते हो उसे ले लो, मजे करो। अरे वाह, रेस्टोरेंट के बुफे में चुनने के लिए काफी अलग अलग तरह की खाने पीने की चीजें हैं। तुम क्या खाना पसंद करोगी पापा? स्पेगेटी मेरी पसंदीदा है। वो तो ठीक है, लेकिन हमें इतना ज्यादा नहीं लेना चाहिए। हम कभी भी वापस आकर कुछ और ले सकते हैं। ओह, बड़ी आइडिया है। और आप क्या चाहेंगे जॉर्ज? जूस। तो प्यास लगी है तुम्हें? मुझे लगता है हम संतरे का जूस निकाल सकते हैं। अब ये क्या हो रहा है? संतरे का जूस निकालने वाली मशीन बहुत तेज शोर करती है, और इसके बावजूद इसने संतरे का ज्यादा जूस भी नहीं निकाला है। जूस, हमें थोड़ा सा जूस और निकालना होगा। स्वादिष्ट, मैं इंतजार नहीं कर रहा। तुम्हें भूख लगी थी पेपा? क्या अब मुझे थोड़ा सा और मिल सकता है? बेशक, चलो चलते हैं। अरे वाह, ग्रैंडपा पिग अभी भी जॉर्ज के लिए एक कप संतरे का जूस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अरे रे, क्या हमें और संतरे मिल सकते हैं मिस रैबिट? अभी लाई। पेपा को एक काफी खास पैनकेक मशीन मिल गई है। बस एक पैनकेक बना दीजिए मिस्टर रोबोट। मैं कभी भी वापस आकर और ले सकती हूँ। शानदार। क्रैनी पिग अपनी स्पेगेटी खाने के लिए काफी उत्साहित है। खत्म। शुक्रिया पैनकेक रोबोट। पर अब पेपा को भी प्यास लगी है। क्या मुझे भी थोड़ा सा जूस मिल सकता है ग्रैनी पिग? हाँ बेशक, ग्रैंडपा पिग जूस ला सकते हैं, लेकिन पता नहीं उन्हें इतना समय क्यों लग रहा है। ग्रैंडपा पिग ने आखिरकार एक कप संतरे का जूस बना ही लिया है। असल में ग्रैंडपा पिग ने संतरे के जूस के काफी सारे कप तैयार कर लिए हैं। मशीन ने आखिरकार संतरे का जूस बनाना बंद कर दिया है। अजीब से ग्रैंडपा, आपको इतना जूस बनाने की जरूरत नहीं थी। आप कभी भी वापस आकर और ले सकते हैं।
पेपा को बुफे रेस्टोरेंट काफी अच्छा लगता है और जॉर्ज को संतरे का जूस बहुत अच्छा लगता है। आज पेपा और उसके दोस्त एक खास तरह के एडवेंचर पार्क में आए हैं। एडमिन करो भी, तुम कर सकते हो। ये वाकई ही मजेदार है। बहुत बढ़िया एडमिन। इस कमरे में बैलेंस बीम है, तुम्हें बॉल पिट में गिरे बिना इसे पार करना होगा। अगर तुम सब एक टीम की तरह काम करोगे तो बिना इस बॉल पिट में गिरे इसे पार भी कर लोगे। मैं अच्छी तरह से बैलेंस बना लेती हूँ, मेरे पीछे आओ। अब जॉर्ज, पेपा और एडमिंड एलिफेंट को बैलेंस बीम पार करना होगा, लेकिन एडमिंड को बैलेंस बीम थोड़ी सी मुश्किल भरी लग रही है। किनारों से होकर जाने की कोशिश करो एडमिंड, हम मिलकर कर सकते हैं। सभी ने इस बैलेंस बीम को पार कर लिया है, अब उन्हें इस कमरे को झूल कर पार करना होगा। ये तो काफी पेचीदा लग रहा है। ये पाके झूले की जैसा ही है एमिली, इसे देखो। पेपा झूला झूलने में काफी माहिर है। हुरे, कसकर पकड़ लो जॉर्ज। अब तुम करो एडमिंड। लेकिन एडमिंड एलिफेंट को ये करने में थोड़ी सी घबराहट हो रही है। क्यों ना एडमिंड हम साथ मिलकर एक टीम की तरह जाएं? बढ़िया आइडिया है। अरे हमने कर दिखाया। शुक्रिया एमिली। सभी ने इस बड़े झूले को पार कर लिया है। सभी ने बढ़िया टीम वर्क किया। एक और कमरा बाकी है। ये आखिरी कमरा है, लेकिन बॉल पिट को पार करने का कोई रास्ता नहीं है। हम इतनी लंबी छलांग नहीं लगा सकते। यहाँ झूलने के लिए कुछ नहीं है। हो, ये कमरा एक पहेली की तरह है। कोई नहीं जानता इस पहेली को कैसे सुलझाना है और पार जाना है। मैं समझ गया। लेकिन एडमिंड एलिफेंट पहेलियाँ सुलझाने में माहिर है। देखा मैं कितना बुद्धिमान हूँ। सभी ने इस एडवेंचर पार्क की चीजों को कर दिखाया है। बहुत बुद्धिमानी भरी चीज की है एडमिन। एडमिन और एडमिन एलिफेंट इन सभी चीजों को फिर से करने का बेसब्री से इंतजार। आइसक्रीम शॉप में आपका स्वागत है। आज बहुत गर्मी है, इसलिए पेपा और जॉर्ज आइसक्रीम शॉप खेल रहे हैं। ये लीजिए मिस्टर डैडी पिग। ओह शुक्रिया। आप क्या लेना चाहेंगे मिसेज मम्मी पिग? मुझे चाहिए एक बनाना स्प्लिट प्लीज। अरे वाह, बनाना स्प्लिट क्या होता है ग्रैनी? ये एक तरह की मिठाई है। सबसे पहले हम एक केले को आधा काटते हैं। उसके बाद हम आइसक्रीम, चेरी और व्हिप्ड क्रीम को मिलाते हैं। जॉर्ज को आइसक्रीम डालना पसंद है। संभल के केले को कुचल मत देना। और पेपा को व्हिप्ड क्रीम डालना बहुत अच्छा लगता है। ऊपर चेरी रखना मत भूलना। ये रहा आपका बनाना स्प्लिट मिसेज मम्मी पिग। ये तो जायकेदार लग रहा है। प्लीज क्या मुझे निकर बॉकर ग्लोरी मिल सकती है? एक नौके नौरी, वो क्या होती है मैडम? ये एक तरह की आइसक्रीम संडे है। क्या आप इन्हें केवल संडे को ही खा सकते हैं? उस तरह का संडे नहीं, ये आप कभी भी खा सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। हमें चाहिए आइसक्रीम, फ्रूट,
मरेंग और क्रीम। पेपा और जॉर्ज ये सारी चीजें ग्लास में डाल देते हैं और अब टॉप को सजा सकते हैं। फिर उसे सजाया जाता है वेफर्स, रंगीन स्प्रिंकल्स और सॉस डालकर। लीजिए, हो गया मैडम। ये तो गजब का लग रहा है। अब जब सबको आइसक्रीम मिल गई है तो आप दोनों किस तरह की आइसक्रीम पसंद करेंगे? एक रेनबो जैसी। रेनबो। पेपा और जॉर्ज खूब सारी रंग बिरंगी आइसक्रीम का इस्तेमाल करते हैं। गुलाबी स्ट्रॉबेरी के लिए, ब्राउन चॉकलेट के लिए, पीला बनाना के लिए। फिर वो अपनी टॉपिंग्स लगाते हैं। चलो इन सबको मिला देते हैं। पेपा और जॉर्ज ने सारे रंग एक साथ मिला दिए हैं। हमने तो कीचड़ भरा गड्ढा बना दिया। ये रेनबो आइसक्रीम नहीं है। मुझे अफसोस है कि हमारे पास अब और आइसक्रीम नहीं बची है। हमारे पास है तो बस वेनिला। मुझे बहुत पसंद है। पेपा और जॉर्ज को खास आइसक्रीम्स बनाना अच्छा लगता है, पर वेनिला आइसक्रीम उन्हें सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। आज पेपा और उसके क्लास के बच्चे स्कूल ट्रिप पर जा रहे हैं। सभी को मेरा हेलो। मेरी प्यारी सी पीली बस में स्कूल ट्रिप पर जाने के लिए कौन कौन तैयार है? आपकी पुरानी नीली बस को क्या हुआ मिस रैबिट? वो खराब हो गई जब मैं जा रही थी इस वीकेंड में एक बढ़िया सी ड्राइव पे। अरे बाप रे, मिस रैबिट की बस अब नहीं चल पाएगी। इसलिए वो गैरेज में है छोटी मोटी रिपेयर के लिए। उस बस को काफी ज्यादा रिपेयरिंग की जरूरत है। पेपा और उसके दोस्त इतनी बड़ी सी पीली बस में पहले कभी नहीं बैठे। सीट बेल्ट चेक करो। चेक। तो फिर हम चलते हैं। उप्स, चलो फिर से करते हैं। मिस रैबिट को पीली वाली बस चलाने की आदत नहीं है। मैडम गजेल को लगता है कि पीली बस कुछ ज्यादा ही तेज चल रही है। मिस रैबिट, क्या पीली बस में म्यूजिक चलता है? पीली बस में सब कुछ हो सकता है। ये ऐसा कर सकती है, ये ये बबल्स, और बेशक ये। पीली बस में म्यूजिक काफी जोर से बजाया जा सकता है। क्या हम म्यूजिक थोड़ा सा धीमा कर सकते हैं? बेशक मैडम गजेल। क्यों ना फिर इसके बजाय हम कोई गाना गाए। पीली बस के पहिए घूमे गोल 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 गोल। पीली बस के पहिए घूमे गोल 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 सारा दिन भर। चलो आइस पाई खेलते हैं। बढ़िया आइडिया है। मैं अपनी छोटी आँख से जासूसी करूँ। चलो तो फिर शुरू करते हैं। आर से बताओ। नहीं रैबिट, नहीं, ये तो रोड पे चल रही लॉरी है। हेलो मिस्टर बल। हेलो। पेपा का प्ले ग्रुप अपनी स्कूल ट्रिप के लिए आ गया है, इसलिए अब बस से उतरना होगा। काश हम सारा दिन पीली बस में ही रह पाते। चिंता मत करो, तुम्हें घर ले जाने के लिए मैं वापस यही बस लाऊंगी। सभी को बड़ी सी पीली बस में सफर करना अच्छा लगता है, सभी को सिवाय मैडम गजेल के। आज पेपा और उसकी फैमिली लंदन आए हैं देखने सुपर पोटैटो द म्यूजिकल। अरे बाप रे, हमें जल्दी चलना चाहिए वरना हम शो की शुरुआत मिस कर देंगे। ओहो, हम सब भीग जाएंगे। परेशान मत हो, हम चलने के बजाय अंडरग्राउंड ट्रेन ले सकते हैं। अंडरग्राउंड ट्रेन जमीन के नीचे चलती है। जमीन के नीचे बारिश नहीं होती। यहाँ पर रंगीन मैप दिया गया है जिसे पता चलता है कि सभी ट्रेन्स कहाँ जाती है। ये स्पगेटी
ऐसा लगता है। तो हम अभी यहाँ है और हमें जाना है यहाँ। हम पहले नीली ट्रेन ले सकते हैं और उसके बाद लाल ट्रेन लेते हैं। हाँ, बहुत खूब पेपा, चलो चले। सबसे पहले पेपा को टिकट बैरियर से अपना टिकट चेक करवाना होगा। शुक्रिया टिकट रोबोट, मैं फंस गई हूँ। वही रुको पेपा, मैं तुम्हें निकालती हूँ। शुक्रिया मिस रैबिट। इस तरफ पेपा, सभी नीली लाइन को फॉलो करो। मैं भी अटक गया हूँ। ट्रेन एक बहुत ही अंधेरी सुरंग से प्लेटफॉर्म पर आ रही है। ट्रेन में बहुत ज्यादा भीड़ है। सभी जल्दी में क्यों है? ये सब जल्दी में है, अंडरग्राउंड ट्रेन में सभी लोग जल्दी में ही रहते हैं। चलो चलते हैं, संभल कर कदम रखना। सभी को हेलो, लू ट्रेन में आपका स्वागत है, दरवाजे पे ध्यान दें। रुको पेपा, अंडरग्राउंड ट्रेन काफी हिलती डुलती है। आपके बाईं ओर अंडरग्राउंड देखेंगे और आपके दाईं ओर आप और भी ज्यादा अंडरग्राउंड देखेंगे। लाल ट्रेन के लिए आप यहाँ उतरें। लाल ट्रेन आ गए हम। अपना कदम आगे रखो जॉर्ज। सभी कसकर पकड़ो। हम यहाँ है। शो तो कुछ ही मिनटों में शुरू हो जाएगा, शायद हम शुरुआत मिस कर देंगे। बिल्कुल नहीं, मेरे पीछे आओ, मैं आपको सुपर पोटैटो द म्यूजिकल के लिए टाइम पे पहुंचाऊंगा, वरना मेरा नाम नहीं बड़ा सेलिब्रिटी आ रहा है। बड़े स्टार के लिए रास्ता बनाओ। थैंक यू, आज किसी को ऑटोग्राफ नहीं दे पाऊंगा। सुपर पोटैटो भी जल्दी में है, अंडरग्राउंड ट्रेन में सभी लोग जल्दी में है। सोने का समय हो गया है, लेकिन जॉर्ज को नींद नहीं आ रही, इसलिए पेपा और डैडी पिग को भी नींद नहीं आ रही। अब क्या होगा, हम सारी बेडटाइम स्टोरी पहले ही पढ़ चुके हैं। हमने एक किताब अभी भी नहीं पढ़ी है, मैंने इसे इमरजेंसी के लिए संभाल कर रखा था। थके हुए पिग को सुलाने में मदद करने वाली काफी लंबी और उबाऊ स्टोरी। बहुत ही लंबी और बहुत ही उबाऊ स्टोरी, क्या वो थके हुए पिग्स को सुलाने में मदद करेगी? हाँ, थके हुए पिग को सुलाने में मदद करने वाली काफी लंबी और उबाऊ स्टोरी। एक बार की बात है, जब थी एक हीरो, नाम था पेपा। हाँ, सुपर पेपा। वो सारा दिन अपने पड़ोसियों की मदद करती रहती थी। एक दिन उसने एक विशाल कूद फांद करने वाले जीव के बारे में सुना, जिसने पूरे शहर को हिला कर रखा था। विशाल जीव कूदना बंद ही नहीं कर रहा है। मैं आपकी मदद करूंगी। सुपर पेपा को कूद फांद करने वाला जीव मिल गया। ओह हाँ जॉर्ज, कूदने वाला डायनासोर। सुपर पेपा ने कूद फांद करने वाले डायनासोर को कूद फांद करने से रोकने की सारी कोशिश कर ली। मतलब उसे काफी शांति से पूछा। हाँ। एक्सक्यूज मी मिस्टर डायनासोर सर, एक्सक्यूज मी। उन्होंने बेड टाइम म्यूजिक चलाकर भी देख लिया, इससे उसे नींद आ जाएगी। सुकून मिल रहा है। लेकिन म्यूजिक सुनकर डायनासोर में और भी जोश आ गया। सुपर पेपा ने कूद फांद करने वाले डायनासोर को गर्म पानी से नहलाने की कोशिश की और उसे आरामदायक पजामा पहना कर भी कोशिश कर ली।
यहाँ तक कि उसने तारे भी गिनने की कोशिश की। एक, दो, तीन, चार, पाँच। हमने यही सारी चीजें की, अब तो कोशिश करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। बेड टाइम स्टोरी सुनते हुए आखिरकार जॉर्ज को नींद आ ही गई। अरे वाह, मदद के लिए शुक्रिया पेपा। स्वीट ड्रीम्स। शुक्रिया डैडी, लेकिन मैं अभी थकी नहीं हूँ, क्या आप स्टोरी पूरी कर सकते हैं? आज पेपा और जॉर्ज बड़ों की तरह बनने का खेल खेल रहे हैं। हे भगवान, हे भगवान, मेरी बैग और मेरी टोपी कहाँ है? हम काम पर जा रहे हैं मम्मी। ओह, तो बताओ तुम्हें बड़े होकर कौन सा काम करना अच्छा लगेगा? डायनासोर। जॉर्ज डायनासोर बनना चाहता है। मुझे लगता है कि दांतों का डॉक्टर बनने में मजा आएगा। फिर मैं इस बात को पक्का करूंगी कि सभी लोगों के दांत अच्छे और स्वस्थ है। दिलचस्प। आपको ठीक लग रहा है? मम्मी, आपके तो काफी दांत साफ है। इतना बहादुर होने के लिए ये रहा आपका स्टिकर। अपने दांत ब्रश करना मत भूलना। अब किसकी बारी है? अजीब सा जॉर्ज, डायनासोर दांतों के डॉक्टर के पास नहीं जाते, वो जानवरों के डॉक्टर डॉक्टर हैमस्टर के पास जाते हैं। लेकिन वैसे आपको भी स्टिकर मिल सकता है। मुझे लगता है कि तुम दांतों के काफी बेहतरीन डॉक्टर बनोगे। और तुम एक बेहतरीन डायनासोर बनोगे जॉर्ज। लेकिन मैं बनना चाहूंगी एक बस ड्राइवर भी, फिर मैं अपने सभी दोस्तों को पार्क में ले जा सकती हूँ। कृपया टिकट दे। अगला पड़ाव पार्क। रुको, तुम हमें भूल गए। अगर तुम बस ड्राइवर बनना चाहती हो तो तुम्हें हर एक स्टॉप पर अपनी बस रोकनी होगी पेपा। उफ, माफ करना। मुझे लगता है कि तुम एक शानदार बस ड्राइवर बनोगी पेपा। लेकिन मैं सिर्फ दांतों की डॉक्टर और बस ड्राइवर नहीं बनना चाहती, मैं बनना चाहती हूँ टीचर भी। फिर मैं सबको पेंटिंग करना सिखाऊंगी। आप इस तरह हाथ के निशान को इस्तेमाल करके तितली बना सकते हैं। डायनासोर स्कूल नहीं जाते जॉर्ज। शायद तुम डायनासोर के लिए कोई स्कूल खोल सकती हो। लेकिन बड़े होकर तो मैं कीचड़ भरे मिट्टी वाले गड्ढे में कूदना चाहती हूँ, और जॉर्ज डायनासोर बन सकता है। और उन्हें हमेशा कीचड़ भरे गड्ढों में कूदना अच्छा लगेगा, चाहे वो बड़े हो जाए या डायनासोर बन जाए। आज पेपा अपने ब्लॉक्स वाले खिलौनों से खेल रही है। सावधान रहो जॉर्ज, ये काफी छोटा सा शहर है और तुम एक विशाल डायनासोर हो। इससे मुझे एक आइडिया आया है। क्या तुम विशाल जीव बनना चाहोगे जॉर्ज? जॉर्ज पेपा के साथ विशाल का जीवो जैसा रोल करने के लिए बहुत उत्साहित है। हेलो पुलिस ऑफिसर पांडा। टॉयलैंड में दिन कितना सुकून भरा, शांत सा, प्यारा सा लग रहा है, नहीं? और ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा है कि। हेलो, मैं विशाल कायजीव पेपा हूँ। विशाल कायजीव। नो विशाल जीव। पेपा और जॉर्ज कल्पना कर रहे हैं कि वे ब्लॉक वाली नकली दुनिया के विशाल कायजीव है। हेलो पंछियों, हेलो बादलों। मैं हम
हमारी गेंद उस ऊंचे से पेड़ पे फंस गई है। हम इसमें तुम्हारी मदद कर सकते हैं। हम विशाल का एक जीव है। सावधान जॉर्ज। ये लोग हैं सूजी। विशाल काय पेपा और विशाल काय जॉर्ज को टॉयलैंड में अपने दोस्तों की मदद करना अच्छा लगता है। वे बस में चढ़ने में यात्रियों की मदद करते हैं। और नावों को काफी तेजी से आगे ले जाने में मदद करते हैं। रुको! ये वो पुल है जो तुमने पहले तोड़ा था। कोई बात नहीं, हम इसे ठीक कर सकते हैं। पेपा और जॉर्ज ब्लॉक वाले खिलौने ठीक करने में माहिर हैं। वे खिलौने वाले पुल को कुछ ही देर में ठीक कर देते हैं। धन्यवाद विशालकाय पेपा और विशालकाय जॉर्ज। रुको! मेरा मतलब है, जाओ! भूख! मुझे भी भूख लगी है। विशालकाय पेपा और विशालकाय जॉर्ज के लिए टॉयलैंड का खाना काफी छोटा पड़ता है। डिनर का समय हो गया, तो इन्हें इसके बदले असली खाना ही खाना होगा। सावधान जॉर्ज। लगभग कर ही लिया था। पेपा पिन्याटा को खोलने की और अंदर से चीजें निकालने की भरपूर कोशिश कर रही है, क्योंकि आज पेपा का प्ले ग्रुप एक मेक्सिकन छुट्टी के बारे में सीख रहा है, जिसका नाम है सिंको डे मायो। अरे बच्चों, क्लासरूम को थोड़ा और खुशनुमा बनाने के लिए हमें और ज्यादा सजावट करनी होगी। तो चलो पॉम पॉम फूल बनाते हैं। पॉम पॉम, मैं मुझे ये सब बहुत अच्छा लगा। पॉम 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 पॉम। बस कार्डबोर्ड की टहनी को टिश्यू पेपर के बॉल के बीच में लगा दो और हो गया। मैं ये फूल बना नहीं पा रही। मैं मदद करती हूँ। ये तो काफी मुश्किल है। ओ डियर। सभी ने बहुत सारे पॉम पॉम फूल बनाए हैं। हमने ज्यादा तो नहीं बना दिए। बिल्कुल नहीं। अब हमारा क्लासरूम है बहुत ज्यादा खुशनुमा। अगली चीज हम बनाने वाले हैं, स्वादिष्ट गुआकामोल। गुआकामोल? गुआकामोल, ये मेक्सिकन ट्रीट बनती है एवोकाडो से, और हम इसे गाजर या ककड़ी या टोर्टियाज नाम की खास क्रिस्प के साथ खाते हैं। गुआकामोल। मैडम गजेल एवोकाडो छील रही है और कटोरे में थोड़ा सा नींबू का रस और नमक मिला रही है। अब हमें इनको एक साथ मसलना होगा। गुआकामोल। क्या कोई थोड़ा सा गुआकामोल चखना चाहेगा? हाँ प्लीज। स्वादिष्ट। यम्मी गुआकामोले, यम्मी गुआकामोले। बढ़िया पेपा, सिंको डी मायो का जश्न मनाने का एक और तरीका है गाना गाना। यम्मी गुआकामोले, यम्मी गुआकामोले, यम्मी गुआकामोले। और डांस करना एक खास हिस्सा है सिंको डी मायो का। पेपा ने पिन्याटा पर निशाना लगाया और खूब सारी मिठाइयाँ बरसने लगी। पेपा अपने पहले सिंको डी मायो के मजे ले रही है और उसे डांस करने में बहुत मजा हुआ। वाह!
आज पेपा और उसकी फैमिली आर्केड जा रही है। बहुत खूब, तुम्हें मिला है हाई स्कोर। ऐसा इसलिए है क्योंकि पेपा और मैं इन सभी खेलों में माहिर हैं। इन सभी टोकन्स को देखो पेपा, यदि ऐसे बहुत सारे इकट्ठा कर लिए तो इनके बदले तुम्हें बड़ा सा इनाम मिल सकता है। बहुत खूब, एक इनाम। देखो इतने सारे टोकन्स। क्या हम उस खेल को और ज्यादा खेल सकते हैं? क्यों नहीं पेपा। मम्मी पिग पेपा को कैरेट बॉब खेलना सिखा रही है। जब भी वे पॉप अप करते हैं तो वो कैरेट को मारती है। क्या तुम दोनों करना चाहोगे? हाँ जरूर। जोर से मारो, जोर से मारो, जोर से मारो। और ज्यादा टोकन? क्या इसका मतलब है कि हम वाकई बड़ा इनाम पा सकते हैं डैडी? डैडी? डैडी पिग डांसिंग गेम खेल रहे हैं। डैडी पिग को डांस करना बहुत पसंद है। जानते हो, मैं तो डांस में बहुत माहिर हूँ। तुम्हारी बारी पेपा। वाह! ओह, मजेदार था। लेकिन क्या कोई ऐसा खेल है जिसे हम मिलकर खेल सकते हैं? हाँ, एक खेल है। पेपा और उसकी फैमिली गुब्बारे वाला खेल खेल रहे हैं। जो पहले अपने गुब्बारे में पानी भरेगा वो जीत जाएगा। क्या हमें एक और हाई स्कोर मिला? हाँ, तुम्हें इतना हाई स्कोर मिला है कि तुमने जीत लिया है जैकपॉट। अब अपने सारे टोकन्स को ट्रेड करके तुम्हें मिलेगा बड़ा सा इनाम। अरे वाह, चलो चलते हैं। हेलो अगेन पेपा। यह हमारे सभी टोकन है, क्या हमें हमारा इनाम मिल सकता है? बिल्कुल, इन सारे टोकन से तुम पा सकती हो एक अनोखा, बिल्कुल खास, अलग तरह का इनाम। पेंसिल। अरे वाह, पेंसिल। पेपा को आर्केड में अपनी फैमिली के साथ ढेर सारे टोकन्स जीतना अच्छा लगता है और पेपा को अपनी नई पेंसिल वाकई बहुत अच्छी लगती है। हेलो आप सभी को। आज पेपा और उसकी फैमिली मैडम गजेल के बैंड द रॉकिंग गजेल्स के एक संगीत कार्यक्रम में आई हुई है। मैं कुछ भी नहीं देख पा रही हूँ। शुक्रिया। अरे बाप रे, जनरल जिराफ भी अपने डैडी के कंधों पर बैठा है और बाकी लोग इस वजह से देख नहीं पा रहे हैं। हाय पेपा, हाय जॉर्ज। जेरल्ड और उसके पिता किनारे चले गए हैं, इसीलिए अब सभी देख पा रहे हैं। चलो, 1 2 1 2 3 4। सभी लोगों को बहुत मजा आ रहा है। पेपा और डैडी पिग वाकई संगीत के मजे ले रहे हैं। मजा आ रहा है ना पापा? हाँ, क्या तुम्हें मजा आ रहा है जॉर्ज? पापा और डैडी पिग गलती से भीड़ भाड़ के बीचों बीच पहुंच गए हैं। हम जल्द ही आकर आपको ढूंढ लेंगे मम्मी पिग। मैंने कहा हम आपको ढूंढ लेंगे। अरे इतनी भीड़ में कहाँ घूम लेंगे? मजे करो जॉर्ज। सभी डांस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे नाचते हुए लोगों से भरे स्विमिंग पूल में खड़े हो। ओ, 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 ओ। यहाँ कुछ हवादार बीच बॉल्स भी है। पकड़ लिया। बहुत बढ़िया पेपा। शुक्रिया, शुक्रिया। माफ कीजिए मिस्टर बुल, माफ कीजिए मैडम गजेल। कोई बात नहीं, ऐसा सब तो होते रहता है। कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है पॉप म्यूजिक।
दरअसल इससे तो मुझे अपने अगले गाने की याद आ गई। 1 2 3 4 मम्मी और जॉर्ज पिग भी नाचते नाचते भीड़ भड़कते के आगे आ गए हैं। मैडम गजेल ने पेपा और उसकी फैमिली को उनके साथ स्टेज पर गाने के लिए बुला लिया है। सभी को मैडम गजेल का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है और सभी को सबसे ज्यादा अच्छा लगता है पॉप पॉप पॉपिंग बुलबुले। आज पेपा और उसके प्ले ग्रुप ने मनोरंजक दौड़ का आयोजन किया है ताकि वो पैसे जुटा सके स्कूल की नई घंटी के लिए। क्या सभी दौड़ने के लिए तैयार हैं? तैयार है। On your marks, get set, go! अरे बाप रे, बारिश शुरू हो गई है और कोई भी बारिश में दौड़ना नहीं चाहता। क्या हमें दौड़ किसी और दिन लगानी चाहिए जब इतने बादल और बारिश ना हो? बस पेपा को छोड़कर। लेकिन बारिश में तो ये दौड़ और भी मजेदार हो जाएगी। इतनी सारी कीचड़ भरे गड्ढे बन जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब है ऑन योर मार्क्स फिर से गेट सेट फिर से गो फिर से। बारिश की वजह से रनिंग ट्रैक पर पानी से भरा एक गड्ढा बन गया है, लेकिन रेबेका रैबिट छलांग लगाने में माहिर है। मैंने कर लिया। माफ करना रेबेका। कोई बात नहीं पेपा। चलो तुम दोनों, अभी तो दौड़ बहुत लंबी है। हवा की वजह से सूजी और मम्मी शीप को पहाड़ चढ़ने में मुश्किल हो रही है। हवा बहुत तेज चल रही है और पहाड़ी पर काफी सारी फिसलन है। मुझे पता है। एमिली एलिफेंट अपनी सूंड से चीजों को अच्छी तरह से खींच सकती है। नीचे वाले रास्ते पर काफी कीचड़ लग रहा है। हाँ, तो नीचे फिसलने में बहुत मजा आएगा। और पेपा कीचड़ में काफी अच्छी तरह से फिसलना जानती है। पेपा और डैडी पिग बड़े बड़े पेड़ों के पास आ गए हैं। दौड़ को पूरी करने के लिए सभी को निचली शाखाओं के नीचे से रेंग कर जाना होगा। हो, ये मजेदार लग रहा है। सभी फिनिश लाइन तक पहुंच चुके हैं। हमने काफी पैसे जुटा लिए हैं स्कूल की घंटी ठीक करने के लिए। मिस्टर बुल इसे कल ठीक कर देंगे। क्या आपको मजा आया डैडी? डैडी, सभी को बारिश में दौड़ना अच्छा लगता है। चलो पेपा फिर से दौड़ते हैं। लेकिन डैडी पिग को बारिश में दौड़ना बहुत अच्छा लगता है। पेपा और उसकी फैमिली ने सुपर मार्केट से बहुत सारा खाना खरीदा है और अब उनके पेट में काफी गुड़गुड़ाहट हो रही है। डिनर में क्या है? मेरे पेट से काफी आवाजें आ रही हैं। आज रात हम बनाने वाले हैं टैको। ये क्या होता है टैको और इसे कैसे बनाते हैं? ये जायकेदार खाना है मेक्सिको का और टैकोस बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि सब साथ मिलकर बनाएं। पेपा, जॉर्ज और मम्मी पिग अपने टैकोस बनाने के लिए सब्जियों को धो रहे हैं। हमें ख्याल रखना है कि सब्जियां अच्छी तरह से साफ हो गई हो। छप छप छपाक छप सब्जियां कर लो साफ।
ठप ठप टपक टप सब्जियां कर लो साफ। अब पापा और मम्मी पिग भी धुल के साफ सुथरे हो गए हैं। सब्जियां साफ हो गई है, अब हम सावधानी से प्याज काट सकते हैं। ये लीजिए डैडी। क्या हुआ डैडी, क्या आपको प्याज पसंद नहीं है? ओ चिंता मत करो पापा, प्याज के रस से कभी कभी आंखों में पानी आ जाता है। मुझे बस अपनी आंखों को ढकने के लिए कुछ चाहिए। मुझे पता है। ओ, पापा अपनी आंखों को प्याज से बचाने का सही तरीका जानती है। ये बेहतरीन है पापा। फिर से प्याज डैडी पिग। अब हम थोड़ी से गुआकामोल बनाएंगे। अरे वाह, मुझे गुआकामोल पसंद है। तो फिर तुम एवोकाडो को मैश कर सकती हो पापा। पापा को एवोकाडो को मैश करना अच्छा लगता है, इसमें उथल पुथल करने में बहुत मजा आता है। शायद आराम से कोशिश करनी चाहिए पापा। बढ़िया, अब चलो हम बाकी चीजों को मिलाते हैं। और सबसे खास बात, नींबू को निचोड़ कर मिलाते हैं। ठीक है जॉर्ज, तुम ये खास काम कर सकते हो। ओह, ये तो अच्छा हुआ कि मैंने अपने सुरक्षा चश्मे पहने हुए हैं। सब सामग्री तैयार हो चुकी है, अब समय है इनसे टाकोस बनाने का। अब सबसे ज्यादा मजेदार बात, अपना टॉर्टिया लें कुछ इस तरह। और अब अपनी पसंदीदा चीजें डालो। पेपा को बहुत सारा गुआकामोली से भरा टाकोस पसंद है। जॉर्ज को अपने टाकोस में कुछ भी नहीं पसंद है। मम्मी और डैडी पिग को अपने टाकोस में सब कुछ पसंद है। सभी को टाकोस बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। लेकिन सभी की फिलिंग गिर गई है। अरे वाह, अब हम इन सबको फिर से एक साथ डाल सकते हैं। आज पेपा और उसके दोस्त गोकार ट्रैक पर है। सभी को मेरा नमस्ते। कौन कौन गोकार्ट्स दौड़ के लिए तैयार है? मैं। पेपा और उसके दोस्तों ने अपना रेस सूट पहन लिया है। मेरा पसंदीदा रंग लाल है। और अपनी सुरक्षा हेलमेट मत भूलना। आप अपना गोकार्ट्स चुन लो। ये। डैनी डॉग ने अपना हेलमेट उल्टा पहन लिया है। आप गोकार्ट्स चलाने के लिए पेडल्स का इस्तेमाल करेंगे और रोकने के लिए ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे और स्टीयरिंग व्हील से गोकार्ट को घुमाने में मदद मिलती है। ये बाइक चलाने जैसा ही है। तुम सब इसे चला कर देखो। चलो धीरे धीरे पेडल मारना शुरू करो। मैं हमेशा बड़ी सी कार चलाती हूँ, मेरे लिए गो कार्ट आसान होगा। अरे रे, लगता है मैं कुछ ज्यादा ही तेज चला रही थी। अब मैं इसे कैसे मोड़ूं? गो कार्ट रेस शुरू हो गई है। ये तो मजेदार है। लेकिन सूजी शीप पेडल पीछे की ओर चला रही है। पेडल को आगे चलाने की कोशिश करो सूजी। आगे? डैनी डॉग बहुत तेजी से पेडल चला रहा है। ब्रेक का इस्तेमाल करना ना भूलना डैनी। मम्मी पिग को अपना गो कार्ट चलाने में दिक्कत हो रही है। चलो देखते हैं, इससे ये पीछे की तरफ जाता है। क्या आपको मदद चाहिए मम्मी पिग? ओ नहीं, शुक्रिया मिस रैबिट, मुझे यकीन है मैं कर सकती हूँ। मेरा गो कार्ट बहुत हिल रहा है। पेपा पूरे रेस ट्रैक पर गाड़ी चला रही है। अपनी स्टीयरिंग व्हील को धीरे घुमाओ पेपा। ज्यादा बेहतर। पेपा और उसके दोस्तों को अपने गो कार्ट्स में रेस ट्रैक के चक्कर लगाना पसंद है। चलो चले।
और आखिरकार मम्मी पिग ने अपना गोका चला लिया है। समय समाप्त। सभी ने बहुत बढ़िया किया। अरे वाह! लेकिन गोकार्ट रेस खत्म हो गई है। पेपा और उसके दोस्तों को गोकार्ट रेसिंग काफी पसंद आती है। एक सुपर स्ट्राइक सुपर बोलर के लिए। आज सूजी शीप एक बोलिंग पार्टी कर रही है। मैं भी सुपर स्ट्राइक लेना चाहती हूँ। मुझे पता है कैसे करना है। मैं कई बार बोलिंग कर चुकी हूँ। फिर तुम सबको बताओ कि इसे कैसे करते हैं पेपा। ठीक है, हमें स्कोरबोर्ड के लिए अपनी तस्वीरें लेने चाहिए। बस कैमरे के सामने आओ और कहो चीज। बढ़िया, ये है आपकी बोलिंग लेन। अब बोलिंग करने के लिए बॉल चुने, फिर उसे सीधे आगे फेंके, ऐसे। मैं भी कोशिश करने वाली हूँ। मुझे पसंद आया ये वाला। गुलाबी गेंद काफी भारी है। इसकी जगह इसे आजमाओ, ये हल्की है। अरे बाप रे, किसने अपनी बॉल घुमा दी? अरे नहीं, अब मैं कोशिश करता हूँ। पेड्रो पोनी की बॉल लेन के बगल वाले गटर में चली गई है। अरे रे, मेरी बारी। सूजी शीप, पेड्रो पोनी और जेरल जिराफ को अभी तक समझ नहीं आया कि बोलिंग कैसे करनी है। परेशान मत हो, हमें खेलने के लिए और अच्छा तरीका खोजना होगा। तुम लोग बैरियर के साथ कोशिश क्यों नहीं करते? ये खेलने का एक मजेदार तरीका है। लेकिन मैं अपनी बॉलिंग बॉल को उछालना नहीं चाहता। कोई बात नहीं, बॉल को एक सीधी लाइन में जाने के लिए तुम रैक का इस्तेमाल कर सकते हो। ये मजेदार है। पेपा और उसके दोस्त अपने तरीके से बॉलिंग करके काफी मजे ले रहे हैं। पर सूजी शीप अब भी सुपर स्ट्राइक करना चाहती है। ठीक है बच्चों, ये आपकी आखिरी बॉल है। गुड लक। इसे देखो। सूजी शीप पीछे से बॉलिंग कर रही है। एक सुपर स्ट्राइक सुपर बोलर के लिए। सूजी शीप ने सुपर स्ट्राइक की है। सूजी शीप को बोलिंग बहुत पसंद है। सभी को बोलिंग बहुत पसंद है। कृपया चार टिकट दें। कृपया चार पॉपकॉर्न दीजिए। कृपया चार ड्रिंक्स दें। आज पेपा और उसकी फैमिली सिनेमा घर जा रहे हैं। पेपा की पसंदीदा किताब पर फिल्म बनी है। मूर्ख जॉर्ज, हम कोई डरावनी भूत वाली फिल्म नहीं देख रहे हैं, समझे? हमारी फिल्म वाकई मजेदार है और बिल्कुल डरावनी नहीं है। डरावनी भूत वाली फिल्में सिर्फ बड़ों के लिए होती है। माफ कीजिएगा, अंदर आ रहे हैं, सॉरी। जब सिनेमा घर की सीट इस्तेमाल नहीं होती तब वो सभी मुड़ जाती है, पर जॉर्ज के बैठने के बावजूद उसकी सीट मुड़ जाती है। माफ कीजिए, थोड़ी जगह दे, पैर संभाल के। खुशकिस्मती से मिस रैबिट के पास सीट को सपाट रखने के लिए खास किस्म का बूस्टर है। धन्यवाद मिस रैबिट। कोई बात नहीं, निकलने दीजिए। ये पॉपकॉर्न किसने गिराया? जब सिनेमा में अंधेरा होता है तो जॉर्ज को अच्छा नहीं लगता है। वाह,
फ्लेम शुरू हो रही है। ओह सॉरी। जॉर्ज को जोरदार आवाजें भी अच्छी नहीं लगती है। ओह ये फ्लेम का खलनायक है। अरे बाप रे, जॉर्ज को फिल्म में खलनायक थोड़ा डरावना सा लगता है। शायद हमें जॉर्ज को बाहर ले जाना चाहिए। लेकिन अब फिल्म को थोड़ा सा भी नहीं छोड़ सकती। ओह। पेपा ने एक तरीका सोचा है जिससे कि जॉर्ज को खलनायक कम डरावना लगे। हेलो जॉर्ज, ये मैं हूँ। मैं बस इस फिल्म में खलनायक होने का नाटक कर रहा हूँ। मैं असली में बिल्कुल डरावना नहीं हूँ। डरावना नहीं? नहीं। और ये जादुई छड़ी आपको और ज्यादा सुरक्षित रखेगी। अक्सर कहानी के आखिर में सभी हमेशा खुशी खुशी रहते हैं। माफ करना। सिनेमा जाना सभी को अच्छा लगता है और जॉर्ज को हैप्पी एंडिंग्स वाली फिल्में देखना बहुत अच्छा लगता है। आज पेपा और जॉर्ज कुछ पुराने बक्से साफ करने में डैडी पिग की मदद कर रहे हैं। ये क्या है डैडी? ये मेरा पुराना भरोसेमंद कैमरा है पेपा। तस्वीर लेने के लिए आपको बटन दबाना पड़ता है और इससे फोटो प्रिंट हो जाती है। देखो मैं देख पा रही हूँ। क्या मैं कर सकती हूँ प्लीज? बोलो चीज। चीज। अब पेपा कैमरे से तस्वीरें ले रही है। ये कैमरा वाकई मजेदार है। मजे करो, लेकिन फोटो पेपर ज्यादा नहीं बचे हैं, इसलिए सोच समझ कर इस्तेमाल करना। जॉर्ज को बहुत सारी तस्वीरें लेने में मजा आता है। अरे बाप रे, लगता है फोटो पेपर तो खत्म हो गया। लेकिन मुझे तस्वीरें लेना बहुत अच्छा लगता है। क्यों ना इसकी जगह मेरे फोन के कैमरे का इस्तेमाल करें? इससे किसी भी फोटो में फिल्टर भी लगाया जा सकता है। डैडी पिग के फोन के कैमरे से जॉर्ज को नकली मूछें लगा दी गई हैं। आओ जॉर्ज, चलो और तस्वीरें लेते हैं। पेपा और जॉर्ज को तस्वीरें लेने में बहुत मजा आ रहा है। फोन के कैमरे ने मम्मी पिग पर फूलों वाला फिल्टर लगा दिया है। बोलो चीज। और ग्रैंडपा पिग को फिल्टर से बहुत अच्छी टोपी लगा दी गई है। पेपा, जॉर्ज और डैडी पिग और ज्यादा तस्वीरें लेने के लिए पार्क में आ गए हैं। हेलो मिस्टर और मिसेस चिड़िया। बोलो चीज मिस्टर बॉय। कितना मजेदार फोटो है। डैडी पिग बतखों के पास पेपा और जॉर्ज के साथ फोटो लेना चाहते हैं। सभी लोग चीज कहना। एक दो तीन चीज। पेपा और जॉर्ज दिन भर ली गई सारी फोटोज को एक स्क्रैप बुक में चिपका रहे हैं। ये वाला देखो जॉर्ज। लेकिन कुछ फोटोज धुंधली है। ये जरूरी नहीं कि फोटोज बेहतरीन हो, जरूरी ये है कि वो बस आपको प्यारे से दिन की याद दिलाए। सभी को फोटोज लेना बहुत अच्छा लगता है और आज सभी का दिन बहुत अच्छे से गुजरा है। आज मम्मी पिग स्पा में राहत भरा दिन बिताने वाली है। माफ करें मम्मी पिग, आज काम जल्दी बंद करना है, मुझे जुकाम है। अरे मैं कितनी उम्मीद से आई थी स्पा डे के लिए। क्यों ना हम अपने ही घर पर स्पा करें? ओह ये तो शानदार आइडिया है पेपा। पेपा को बहुत अच्छे आइडियाज आते हैं। हेलो मिसेस मम्मी, स्पा में आपका स्वागत है। ओह
पेपा ने लिविंग रूम को बहुत खास स्पा में बदल दिया है। सबसे पहले हम करेंगे स्पा में क्या होता है मम्मी? वैसे हम आम तौर पर एक कप बढ़िया नींबू पानी से शुरू करते हैं। मैं ये कर सकती हूँ, मैं आपके लिए नींबू पानी लेकर आती हूँ मिसेज मम्मी। ये रहा। शुक्रिया पेपा, इससे बढ़िया नींबू पानी मैंने कभी नहीं देखा। आगे क्या करना है? इसके बाद मैं लेना पसंद करूंगी एक फुट बाथ। फुट बाथ क्या होता है? ये आपके पैरों के लिए एक छोटा सा बाथ होता है। ठीक है, टाइम है एक छोटी सी बाथ का आपके पैरों के लिए मिसेज मम्मी। चलिए डैडी। पेपा और डैडी पिग मिलकर खुद का फुटबाथ बना रहे हैं। लगता है इससे काम बन जाएगा। हाँ, ये कितना आरामदायक है। पेपा ने फुटबाथ को रोज लिए जाने वाले बाथ में बदल दिया है। ये लीजिए आपकी ऑर्डर की हुई नाव मिस पेपा। आपके बाथ में बुलबुले और खिलौने तो होने चाहिए। बहुत बढ़िया, मैं मिस रैबिट को ये सुझाव दूंगी। आगे क्या करना है मम्मी? इसके बाद अब बारी है मसाज की। यहाँ सोफे पर लेट जाओ और मैं बताती हूँ इसे कैसे करते हैं। पेपा को मालिश से बहुत गुदगुदी होती है। आपकी बारी मम्मी। ओह, ये बहुत ही अलग है मेरे नॉर्मल मसाज से। ये है स्पेशल पेपा मसाज। अब वो जो आखिरी चीज मैं जो स्पा में करती हूँ वो है मड मास्क, जो है मड से बना हुआ मास्क। एक खास तरह का मड जो आपकी त्वचा के लिए अच्छा होता है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि हमारे पास कोई खास स्पा मड होगा। मेरे पास एक आइडिया है। पेपा को बहुत बहुत अच्छे आइडियाज आते हैं। हमें स्पा मड की जरूरत नहीं है जब हमारे पास है कीचड़ भरे गड्ढे। ये बिल्कुल कीचड़ वाला मड मास्क है। पेपा को स्पा भी बहुत अच्छा लगता है और खास करके जब उसे मिट्टी के गड्ढों में कूदने मिलता है। सभी को मेरा हेलो, मैं पेपा द डेंटिस्ट हूँ। मैं आपके दांतों की देखभाल करने में आपकी मदद करूंगी। आज मिस रैबिट पेपा के प्ले ग्रुप में दांतों के बारे में सिखाने आई है। पेपा डेंटिस्ट होने का नाटक कर रही है। पकड़ लिया। ओह, शुक्रिया पेपा। अच्छा, अब जो तुम्हें अपने दांत मिल गए हैं, किसे किसे पता है कि हम उनकी देखभाल के लिए क्या कर सकते हैं? डेंटिस्ट के पास जाते हैं। सही बात है, डेंटिस्ट के पास पहले कौन गया है? चेरिल जिराफ डेंटिस्ट के पास पहले कभी नहीं गया है। मिस रैबिट, क्या मैं चेरिल को दिखा सकती हूँ कि डेंटिस्ट के पास जाना कैसा लगता है? मैं बहुत बार गई हूँ। बहुत ही बढ़िया आइडिया है। पेपा नाटक कर रही है कि वो डेंटिस्ट है और चेरिल मरीज है। हेलो मिस्टर चेरिल, कृपया इस बड़े से कुर्सी पर बैठ जाओ। शुक्रिया श्रीमती डेंटिस्ट। ये रहा आपका एप्रिन। मुझे चश्मा क्यों पहनना पड़ेगा श्रीमती पेपा? इस जोरदार रोशनी की वजह से। ऐसे बड़ा सा मुंह खोलो ताकि मैं तुम्हारे दांत देख पाऊँ। पेपा टॉर्च से जेरल्ड के दांत देख रही है। मिस्टर जेरल्ड, आपके दांत बहुत अच्छे हैं, इसलिए आपको एक स्टिकर मिलता है। शुक्रिया। अरे वाह, बहुत खूब पेपा और जेरल्ड। क्या किसी को पता है घर पर अपने दांतों की देखभाल कैसे कर सकते हैं? हम अपने दांत ब्रश कर सकते हैं। सही बात है सूजी, ब्रश करने से दांत साफ रहते हैं। क्या हम दांतों को ब्रश करने की प्रैक्टिस करें? मिस रैबिट सभी को टूथब्रश दे रही है ताकि वे अपने दांतों पर ब्रश करने की प्रैक्टिस कर सके। सबसे पहले हम ब्रश को गीला करते हैं।
फिर हम थोड़ा सा टूथपेस्ट लगाते हैं। सभी अपने टूथब्रश पर थोड़ा थोड़ा सा टूथपेस्ट लगाते हैं, लेकिन कैंडी ने तो ढेर सारा ले लिया है। अब हम क्या करें क्लास? हम ब्रश करते हैं। सामने वाले दांतों पर ब्रश करो और किनारों पर भी, ऊपर और नीचे भी। बहुत अच्छा बच्चों। सभी ने आज बहुत अच्छा काम किया, इसलिए सभी को मिलते हैं स्टिकर्स। पेपा को डेंटिस्ट का नाटक करना अच्छा लगता है और पेपा को स्टिकर बहुत अच्छे लगते हैं। बस बस। आज पेपा को उस समय का वीडियो मिला है जब वो छोटी बच्ची थी। मैं बहुत शोर शराबा करने वाली बच्ची थी, है ना डैडी? हाँ, कभी कभी सारे बच्चे ऐसा करते हैं। ये तब का होगा जब मैं प्रेग्नेंट थी और जॉर्ज पेट में था। प्रेग्नेंट? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये उस समय मेरे पेट में था। मेरे पास एक आइडिया है। क्या कर रही हो पेपा? देखिए, अब मेरे पेट में भी एक बेबी है। बहुत अच्छे पेपा। अब जिनके पेट में बेबी होता है वो लोग क्या करते हैं? मुझे खूब सारी मजेदार इच्छाएं होती थी, जो तब होती है जब आप वाकई कुछ खास खाना चाहते हैं। वाह, पेपा भी मजेदार इच्छाएं दिखाने का फैसला करती है। मैं भी वाकई खाना चाहती हूँ स्पेगेटी। पेपा को लगता है कि खाने की इच्छाएं तो जायकेदार है। खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट था। जब आपके पेट में बेबी था तो और क्या क्या होता था मम्मी? वैसे मैं काफी थक जाती थी तो भले लोग मुझे अपनी सीट ऑफर करते थे ताकि मैं जरूरत पड़ने पर बैठ सकूं। हेलो पेपा। मेरे पेट में एक बेबी है और मैं बहुत थक गई हूँ, तो आपको मुझे अपनी कुर्सी देनी होगी प्लीज डैडी। अच्छा, ये लो। और जब कभी मेरे पैरों में दर्द होता था तो डैडी पिक मेरे पैरों की मालिश करते थे। पेपा को पैर की मालिश का आइडिया अच्छा लगा। डैडी, मेरे पैर में दर्द है तो मुझे पैर की मालिश करवानी है प्लीज। ओह अच्छा, ये लो अभी करता हूँ। डैडी पिक की पैर की मालिश कम और गुदगुदी ज्यादा लगती है। ओह वैसे एक और चीज हुई थी जब मम्मी पिक प्रेग्नेंट थी। वो क्या थी? आखिरकार नन्हा सा बेबी आया। आंटी पिग बेबी अलेक्जेंडर के साथ मिलने आई है। हाय बेबी अलेक्जेंडर, मैं ऐसा नाटक कर रही थी कि मेरे पेट में बेबी है, अब हम ऐसे दिखाएंगे जैसे वो बेबी तुम हो। वैसे असली बेबीज काफी शोर करते हैं, तो मुझे लगता है मैं इसकी जगह कुशन रख लेती हूँ। बहुत बढ़िया लग रहे हैं ना पापा? डैडी, हम जॉर्ज के लिए जूते ले रहे हैं, आपके लिए नहीं। आज जॉर्ज कुछ नए जूते ले रहा है। हेलो मिस रैबिट, हमें जॉर्ज के लिए कुछ नए जूते लेने हैं। जॉर्ज के जूते काफी पुराने हैं। आप लकी हो, यहाँ काफी सारे जूते हैं। हम जॉर्ज के लिए सही जूते ढूंढ लेंगे। पहले हम तुम्हारे पैरों का नाप लेंगे। इस नाप लेने वाली मशीन में अपना पैर डालो प्लीज। मिस रैबिट जॉर्ज के पैरों का नाप ले रही है ताकि वो उसे सही आकार के जूते ढूंढ कर दे सके। तुम्हारे पैर बहुत छोटे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जॉर्ज एक बच्चा है। जॉर्ज कोई बच्चा नहीं है। मेरे पीछे आओ। हम अपने सारे छोटी साइज वाले जूते यहाँ रखते हैं। तुम्हें कौन से जूते अच्छे लग रहे हैं जॉर्ज? जूते।
वो है बोलिंग शूज। जॉर्ज को बोलिंग करना अच्छा लगता है और उसे बोलिंग शूज बहुत पसंद है। क्या तुम्हें वाकई में जूते चाहिए जॉर्ज? जूते जूते, ये टैप डांसिंग वाले जूते हैं। ये बहुत शोर कर रहे हैं। क्या कहा? जॉर्ज को खूब सारा शोर मचाना अच्छा लगता है। शायद ज्यादा ही शोर वाले जूते। ये जोकर वाले जूते हैं। जॉर्ज को जोकर वाले जूते बहुत पसंद हैं। ये काफी बड़े हैं, पर जॉर्ज काफी छोटा है। जूते, जूते। जॉर्ज बहुत सारे जूते ट्राई करता है, लंबे जूते, छोटे जूते, यहाँ तक कि अजीब से जूते भी, लेकिन उनमें से कोई भी सही नहीं लगता। जूते, ये चप्पल है जॉर्ज, ये जूते नहीं है। जूते, ये बिल्कुल तुम्हारे पुराने जूते जैसे हैं। जूते। जॉर्ज को ऐसे जूते पसंद आए जो बिल्कुल उसके पुराने जूतों जैसे हैं। बहुत अच्छे, हम ये वाले लेंगे मिस रैबिट। मिस रैबिट, मैं यहाँ अंदर हूँ। जॉर्ज को अपने नए जूते बहुत पसंद है और उसे जूतों की दुकान भी बहुत पसंद है। सभी को जूतों की दुकान बहुत पसंद है। आज पेपा और जॉर्ज ग्रैनी और ग्रैंडपा पिग के साथ पिकनिक पर जा रहे हैं। लगभग हो गया। पेपा पहली बार पिकनिक के पैकिंग की जिम्मेदारी संभाल रही है। क्या तुम ठीक हो पेपा? ये सारे खिलौने पिकनिक के लिए ले जाने हैं, लेकिन वो इसमें नहीं आ रहे। क्या तुम्हें अपने सारे खिलौने चाहिए? समझ गई, मैं इनकी जगह बस टेडी को ले जाती हूँ। और डायनासोर। शानदार, अगर हम तुम्हारे सारे खिलौने ले जाएंगे तो हमारे पास खाने के लिए जगह नहीं बचेगी। पिकनिक के लिए तुम कैसा खाना बनाना पसंद करोगी पेपा? ओह, चलो स्पगेटी बनाते हैं, मुझे स्पगेटी पसंद है। पिकनिक के लिए स्पगेटी उतना भी अच्छा खाना नहीं है। सैंडविच कैसा रहेगा? मुझे भी सैंडविच बहुत पसंद है। तुम्हें किस तरह का सैंडविच पसंद है? पेपा, जॉर्ज और ग्रैनी पिग जैम सैंडविचेस बना रही है। क्या हमें पिकनिक के लिए कुछ और चाहिए पेपा? हमें पिकनिक के लिए आरामदायक कंबल चाहिए, क्या आप ला सकते हैं ग्रैंडपा? अभी लाया पेपा। अरे यार, जैम सैंडविचेस बनाने में काफी उथल पुथल मच जाती है और उथल पुथल को साफ करने में और भी उथल पुथल मच गई है। कोई बात नहीं, अगर जैम ना गिरे तो जैम सैंडविच कैसे बनेगा? पेपा की सैंडविचेस तिकोन है, हो गया। और जॉर्ज की डायनासोर है। कंबल रख लिया। क्या हमें कुछ और चाहिए पेपा? हमें अपने ऑरेंज जूस के लिए कप्स चाहिए। शाबाश पेपा, लगता है हम जाने के लिए तैयार हैं। इसमें बहुत मजा आने वाला है। अरे यार, बारिश हो रही है। बारिश में पिकनिक उतनी मजेदार नहीं लगती। लगता है हमें आउटडोर पिकनिक के लिए इंतजार करना होगा पेपा। लेकिन क्यों ना हम इसकी जगह इंडोर पिकनिक मनाएं? पेपा ने तय किया कि वो अपने घर में पिकनिक मनाएगी। अब हम कभी भी पिकनिक मना सकते हैं, चाहे बारिश हो रही हो तभी भी, और मैं अपने सारे खिलौने ला सकती हूँ। पिकनिक। सभी को पेपा की पिकनिक बहुत अच्छी लगती है और पेपा को उनके लिए पैकिंग करना बहुत अच्छा। और
से खेलते हैं शफल बोर्ड। मेरा पग बॉटम पर था इसीलिए मुझे एक पॉइंट मिलता है। आज क्रूज पर पेपा और उसकी फैमिली शफल बोर्ड खेलना सीख रहे हैं। अब ग्रैंडपा पिग या तो मेरे पग को नॉक करके हटा सकते हैं या अपना पग ट्रायंगल में स्लाइड करके पॉइंट्स हासिल कर सकते हैं। चलो इसे आजमाते हैं। ग्रैंडपा पिग ने ग्रैनी पिग के पग को जॉर्ज की रेत में नॉक कर दिया है। मुझे मिले हैं 2 पॉइंट्स। क्या मैं इस बार कोशिश करूं? हाँ, इस स्टिक से पग को ट्रायंगल की तरफ पुश करो। ये तो ज्यादा नहीं घूमा। तुम दौड़कर शुरुआत करने की कोशिश क्यों नहीं करती? बढ़िया आइडिया है। पेपा दूर से दौड़ते हुए आ रही है लेकिन रेत में बहुत फिसलन है। मुझे कोई पॉइंट नहीं मिला। कोई बात नहीं, ये मजे करने के लिए है, पॉइंट्स के बारे में मत सोचो। वैसे भी पहली बार में किसी को भी महारत हासिल नहीं होती। शाबाश जॉर्ज। मुझे बस कोशिश नहीं छोड़नी है। पेपा पग को स्लाइड करने के लिए अलग अलग तरीके आजमा रही है। मेरी आइसक्रीम। लेकिन किसी भी चीज से बात नहीं बन रही है। चलो शुक्र है, मेरी आइसक्रीम कौन तो बच गई इस बार। अरे बाप रे, मेरी बारी पेपा। ठीक है ये लो ग्रैनी। ग्रैनी के पग ने पेपा के पग को ट्रायंगल में पुश कर दिया है। मुझे 3 पॉइंट्स मिले। अरे वाह। पेपा प्रैक्टिस करने के लिए काफी उत्साहित हो रही है लेकिन खेलने के लिए कोई पग नहीं बचा है। जॉर्ज ने सारे पग से अपने रेत का किला बना लिया है। सभी को शफल बोर्ड खेलना बहुत अच्छा लगता है लेकिन जॉर्ज को रेत के किले बनाना और भी अच्छा लगता है। आज पेपा और जॉर्ज ने मम्मी और डैडी पिग के बड़े बड़े कपड़े पहनने का फैसला किया है। अरे रे, ये 2 बड़े लोग हमारे बेडरूम में कर क्या रहे हैं? मैं बड़ी नहीं हूँ, मैं पेपा हूँ और वो जॉर्ज है। वैसे तो तुम दोनों बहुत प्यारे लग रहे हो, पर तुमने हमारे कपड़े क्यों पहने हैं? हम आज अपने कपड़े खुद चुनना चाहते हैं। वैसे तुम बहुत बड़ी लग रही हो। मुझे लगता है कि हमारे कपड़े तुम दोनों के लिए कुछ ज्यादा ही बड़े हैं। हाँ, ये थोड़े से बड़े हैं। ये कपड़े ज्यादा फिट हो रहे हैं। पेपा और जॉर्ज ने इसके बजाय अपने कपड़े पहनने का फैसला किया है। अब तुम्हें पक्का करना होगा कि तुम मौसम के मुताबिक सही कपड़े चुनो। आज काफी धूप और गर्मी है। क्या तुम्हें लगता है कि इतनी धूप में ये कपड़े अच्छे रहेंगे? नहीं, वो कुछ ज्यादा ही गर्म है और थोड़े भारी। पेपा और जॉर्ज को गर्मी में पहनने के लिए कुछ कपड़े मिले हैं। ये ज्यादा बेहतर है। आज तुम लोग जो करने वाले हो उसके हिसाब से तुम्हें सही कपड़े चुनने होंगे। हम प्ले ग्रुप जा रहे हैं लेकिन पहले हम कीचड़ भरे गड्ढे में कूदना चाहते हैं। अरे बाप रे, पेपा और जॉर्ज ने कीचड़ भरे गड्ढों में कूदने के लिए सही जूते नहीं पहने हैं। क्या आपको लगता है हमें इसके बजाय जूते पहनने चाहिए? मुझे लगता है कि हमें इसके बजाय बूट्स पहनने चाहिए। शानदार आइडिया है।
बढ़िया। क्या हम तैयार हैं? लगभग। बस मैं कुछ चीजें और आजमा लूं। हेलो प्यारे बच्चों। सुंदर हैं पेपा और जॉर्ज। इन्होंने अपने कपड़े खुद चुने हैं। और वो जूते? अगर आप कीचड़ वाले छोटे से गड्ढे में कूदना चाहती हैं, तो आपको अपने जूते पहनने होंगे मैडम गिज़ेल। बिल्कुल। पेपा और जॉर्ज को कीचड़ वाले गड्ढों में कूदना बहुत अच्छा लगता है। चलो तो अच्छा हुआ कि आज मैं भी अपने जूते लेकर आई हूँ। पेपा और उसकी फैमिली कार में बाहर जा रही है, पर उन्हें थोड़ी मुश्किल आ रही है। अरे बाप रे, कार स्टार्ट ही नहीं हो रही। आपकी गाड़ी बिगड़ गई है। परेशान ना हो, मैं आपको गैरेज ले जाऊंगा। मैं यूं गया और यूं आया। मिस्टर बोल कार को ठीक करवाने के लिए उसे खींच कर ले जा रहे हैं। जॉर्ज और पेपा को खींचा जाना पसंद है। अरे रे, समझ गया। सुनिए, हम इसे ठीक कर सकते हैं। अच्छा। पर हमें नया पुर्जा मंगवाना पड़ेगा, और ये काम ना ही आसान है ना ही सस्ता। अरे रे, इसमें कितना समय लगेगा? जितना टाइम लगना है उतना तो लगेगा ही। लेकिन मैं काम पर कैसे जाऊं? जब तक आपकी गाड़ी ठीक हो रही है, आप कोई भी गाड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए मेरे साथ। गैरेज में काफी एक्स्ट्रा कार्स हैं। अपनी मनपसंद चुन लीजिए। ओह, एक मोटर बाइक, ये तो बेहतरीन है। चलो इसकी टेस्ट ड्राइव लेते हैं। डैडी पिग को मोटर बाइक चलाना अच्छा लगता है। हेलो। लेकिन मोटर बाइक पर आप बारिश में भीग जाते हैं। शायद हमें कोई और जबरदस्त चीज चाहिए। चलिए इसे आजमाते हैं। पेपा को एक मॉन्स्टर ट्रक मिला है जो बहुत जबरदस्त है। मुझे लगता है कि ये मॉन्स्टर ट्रक हमारी जरूरत से कुछ ज्यादा ही जबरदस्त चीज है। माफ कीजिएगा, किसी अच्छी और बड़ी चीज के बारे में क्या ख्याल है? जैसे बस। मम्मी पिग को बस बहुत पसंद है। ये बस कितनी बड़ी है और कितनी शांति है यहाँ। अरे रे, लेकिन सभी को लगता है कि ये असली बस है। पेपा और उसकी फैमिली के पास अब एक ही कार बची है ट्राई करने के लिए। इससे बदबू आ रही है, क्योंकि ये मेरी रिसाइकल इकट्ठा करने वाली लॉरी है। माफ कीजिएगा, आप इसे नहीं ले जा सकते। मुझे नहीं लगता कि हमें हमारी कार की तरह कोई बेहतरीन कार मिल पाएगी। आप तो लकी हो, आपने नई कार चुनने में इतना समय लगाया कि हमने आपकी पुरानी कार को ही ठीक कर दिया। शुक्रिया मिस्टर बुल, शुक्रिया ग्रैंडडैड डॉग। पेपा की फैमिली को अलग अलग कार चलाना अच्छा लगता है, लेकिन उन्हें अपनी फैमिली कार चलाना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। पेपा और सूजी पुलिस ऑफिसर्स बनने का नाटक कर रहे हैं। पुलिस, हम आपकी मदद करेंगे। शुक्रिया पुलिस ऑफिसर्स। आपका स्वागत है। अब हमें अपराधों को सुलझाने के लिए वापस आना होगा। अरे, ये क्या है मैडम गिज़ेल? मुझे लगता है मेरा खास पेन कहीं खो गया है। ये तो रहस्य जैसा लगता है। परेशान ना हो, मैं और पुलिस ऑफिसर सूजी इस केस को सुलझाएंगे। पेपा और सूजी खास पेन तलाशने के लिए सुराग ढूंढ रहे हैं। वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे छोटी छोटी चीजें बड़ी दिखती है। आहा, बैंगनी, वो बिल्कुल ऐसा ही रंग है जैसा डैनी डॉग की टी शर्ट है। क्या तुमने उस खास पेन को देखा है डैनी? लगता तो नहीं, मैंने देखा है,
ठीक है, बेहतर होगा कि हम आपको पुलिस स्टेशन ले जाकर कुछ सवाल पूछे। पेपा और सूजी ने एक नकली पुलिस स्टेशन बनाया है ताकि वो सभी से लापता पेन के बारे में सवाल पूछ सके। ये किताबों और तकियों से बना है। इस पुलिस स्टेशन में तो दरवाजे भी नहीं हैं, लेकिन पढ़ने के लिए ये जगह बढ़िया है। पेपा और सूजी सभी से खास पेन के बारे में पूछ रहे हैं। वो कैंडी कैट को नकली पुलिस स्टेशन ले आए हैं। कैंडी कैट, क्या तुम याद करके बता सकती हो कि वो खास पेन किस रंग का है? लाल नहीं, हरा। दरअसल गुलाबी नहीं, नीला। हाँ, तुम तो बड़ी मददगार हो। चलो चारों तरफ बारीकी से देखे। मैडम गजल का खास नीला पेन यही कहीं होना चाहिए। पेपा और सूजी शीप खास पेन को हर जगह तलाश रहे हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिल रही है। मुझे तो वो यहाँ कहीं नहीं मिला। मेरे पास एक आइडिया है। अब मैडम गजल नकली पुलिस स्टेशन में सवालों का जवाब दे रही है। आपने अपने पेन को आखिरी बार कब देखा था मैडम गजल? देखो, बात ऐसी है, आज सुबह मैंने पेन इस्तेमाल किया था, फिर मैंने उसे अपने कान के पीछे लगा लिया। अरे, मैडम गजल का खास पेन उन्हीं के कान के पीछे रखा हुआ था। हमने इसे ढूंढ लिया, हमने राज सुलझा लिया। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया पेपा और सूजी। मुझे लगता है कि तुम दोनों बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर बनोगे। चलिए ना, बस पटाखे अभी चलने ही जा रहे हैं। बॉनफायर की रात है और पेपा काफी जोश में है। उसे बॉनफायर बेहद सुंदर लगते हैं। हाय पेपा, तुम बिल्कुल ठीक समय पर आई हो। पटाखे चलना शुरू होंगे। 5, 4, 3, 2, 1। ये पटाखे तो काफी ऊपर जा रहे हैं। पेपा को लगता है पटाखों से काफी शोर होता है। पटाखे वाकई बहुत आवाज करते हैं दादाजी। ओ बच्चे, क्यों ना हम कुछ और पीछे जाएं? उनसे दूर जाने पर ज्यादा शांति मिलेगी। हम पीछे जा रहे हैं जहाँ पटाखों की आवाज इतनी जोर से ना आए। अच्छा विचार है, हम भी आएंगे साथ में। निकलने दीजिए प्लीज। हम फिर से आ गए, सॉरी। क्या अब ठीक है पेपा? हाँ, शुक्रिया डैनी। बढ़िया, अब हम सब पटाखों के नजारों का मजा ले सकते हैं। इनमें कितने सारे रंग हैं? लाल और नीले और हरे और पीले। पेपा को पटाखों को देखकर बहुत मजा आ रहा है। और अब समय आ गया है जबरदस्त पटाखों का। सभी अपना दिल थाम लें। जबरदस्त मतलब और जोरदार आवाज वाले? अरे बाप रे, अब हम क्या करें? हम अब और पीछे नहीं जा सकते। हमें घर भी तो जाना है ना? लेकिन मुझे पटाखे देखने हैं। मुझे उनकी आवाज बिल्कुल नहीं सुननी। मुझे पता है। कभी कभी ना मेरे दादाजी भी वाकई काफी जोर से बोलते हैं, तो मैं ये इस्तेमाल करता हूँ। हेडफोन्स? हाँ, ये आपके कानों को ढक देते हैं और तेज आवाज धीमी लगने लगती है। क्या तुम्हें ये आजमाना है? वाओ, ये तो काफी बेहतर है। शुक्रिया डैनी। चिल्लाने की जरूरत नहीं है पापा। हमें पटाखों की आवाज सुनाई नहीं पड़ रही।
बेबी अलेक्जेंडर और उसकी फैमिली हैप्पी क्रिसमस बोलने आई है, लेकिन बेबी अलेक्जेंडर बिल्कुल भी खुश नहीं है। बेबी अलेक्जेंडर क्यों रो रहा है? क्रिसमस मजेदार होता है। वैसे बेबी अलेक्जेंडर का पहला क्रिसमस है, उसे नहीं पता ये कितना मजेदार हो सकता है। तब तो ये और भी स्पेशल होना चाहिए। मैं उसे अपनी सारी पसंदीदा क्रिसमस की चीजें दिखाऊंगी। मुझे क्रिसमस डिनर काफी पसंद है। इसमें गाजर, आलू, स्प्राउट्स। नहीं, तुम्हें इसे खाना है, इसे फेंकना नहीं है। चलो कुछ और आजमाएं। टॉफी रैप करना वाकई मजेदार है। आप बुक को ऊपर लगा सकते हैं। नहीं, हमें उन्हें रैप करना होगा ताकि बाकी लोग उन्हें खोल सके। बेबी अलेक्जेंडर को लगता है कि तोहफे रैप करने की बजाय उन्हें खोलने में ज्यादा मजा आता है। मुझे लगता है कि अलेक्जेंडर को क्रिसमस बिल्कुल ही पसंद नहीं। अच्छा, उसे तो तुम्हारे साथ मजा आ रहा है। लेकिन मैं चाहती थी कि ये उसके लिए थोड़ा और खास हो। अपने चचेरे भाई के साथ क्रिसमस बिताना काफी खास है पेपा। पर वो सब गलत कर रहा है। अलेक्जेंडर अभी बस एक बच्चा है, शायद तुम्हें उसे कुछ आसान सी चीजें करने के लिए देनी चाहिए। क्रिसमस बच्चों के लिए? ओह, मेरे पास एक आइडिया है। बेबी अलेक्जेंडर को क्रिसमस के तोहफे पास करने में मजा आ रहा है। थैंक यू अलेक्जेंडर, ये तोहफा मम्मी के लिए। और उसे क्रिसमस क्राफ्ट वाकई पसंद है। बहुत अच्छा किया अलेक्जेंडर। और म्यूजिक भी। What fun it is to ride on a one-horse open sleigh. लेकिन उसे सबसे ज्यादा पेपा के साथ क्रिसमस मनाना पसंद है। अब हमें अलेक्जेंडर का पहला क्रिसमस हमेशा याद रहेगा। पेपा और एमिली एलिफेंट आज बीच पर खूब मजे कर रहे हैं। उन्हें पानी बहुत पसंद है। देखो एमिली, मैं एक मछली हूँ। छप छप छप। मेरे पास एक आइडिया है। यहाँ पानी में कितनी सारी मछलियाँ हैं पेपा? तुमने ये कैसे किया एमिली? क्या तुमने अपनी सांस रोकी थी? नहीं, मैं अपनी सूंड का इस्तेमाल कर सकती हूँ क्योंकि ये बहुत लंबी है। क्या चल रहा है पेपा? काश मेरे पास भी एमिली जैसी सूंड होती ताकि मैं भी पानी के अंदर सांस लेते हुए मछलियाँ देख पाऊँ। मुझे पता है, मेरे साथ आओ पेपा। टरा! ये लंबी सी ट्यूब तुम्हारे मुंह में जाएगी और इससे तुम पानी के अंदर सांस ले सकोगी। एमिली की सूंड की तरह। बिल्कुल एमिली की सूंड की तरह। तुम्हारी आवाज मजाकिया क्यों लग रही है पेपा? ये मेरी सांस लेने की नली है, इसका मतलब मैं तुम्हारी तरह वन में सांस ले सकती हूँ। देखो। नहीं पापा। ओ पापा, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। सांस लेने की नली ठीक से काम नहीं कर रही और पानी का स्वाद काफी अजीब था। पानी खारा होने की वजह से ऐसा है पापा। तुम्हें सांस नली को अपने होठों से कसकर बंद करना होगा
ताकि तुम्हारे मुंह के अंदर पानी ना जाए और तुम सांस ले सको। तुम्हें लंबी लंबी सांसें लेनी होंगी इस तरह। पेपा लंबी लंबी गहरी सांसें लेने की कोशिश करती है। फिर से कोशिश करोगी? ठीक है। मैंने कर दिखाया। मैंने खूब सारी रंग बिरंगी मछलियाँ देखी। हाँ बहुत बढ़िया, और मदद करने के लिए शुक्रिया एमिली। और पानी के खारे स्वाद से छुटकारा पाने के लिए जॉर्ज और मुझे लगा कि तुम्हें ये देना चाहिए। आइसक्रीम। आज पेपा के प्ले ग्रुप में पैनकेक डे मनाया जा रहा है। ये एक आइसक्रीम है। क्या हम और तस्वीरों वाले पैनकेक बना सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, हमें बस चाहिए थोड़ा और पैनकेक मिक्स। पेपा एक कटोरे में आटा डालती है। कैंडी कैट उसमें एक अंडा डालती है। डैनी डॉग दूध डालता है और सूजी शीप सभी चीजों को अच्छी तरह से मिलाती है। मैडम गजेल पैनकेक मिक्स में फूड कलरिंग डालती है ताकि वे रंग बिरंगी तस्वीरों वाली पैनकेक बना सके। पैनकेक को पकाने से पहले हम पैन में अपने पसंद की कोई भी पैनकेक तस्वीर बना सकते हैं। क्या तुम थोड़ा गुलाबी रंग डाल सकती हो सूजी? और थोड़ा यहाँ भी। वाव! ये क्या है? आप क्या बना रही है मैडम गजेल? जल्द पता चलेगा। अब पैन बहुत गर्म हो जाएगा, इसलिए आपको थोड़ा सा पीछे हटना होगा बच्चों। वाओ, पेपा! पैनकेक बिल्कुल पेपा जैसा दिखता है। मैं हूँ पेपा पैनकेक। और मैं बहुत स्वादिष्ट हूँ। क्या हम अगली चीज रेनबो बना सकते हैं? हाँ बेशक। पेपा और उसके दोस्त रेनबो के सारे रंग डालते हैं। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला। नहीं, मैंने रेनबो पैनकेक को खराब कर दिया। बिल्कुल नहीं, तुमने नीले रंग से प्यारा सा आसमान बना दिया है। चलो बनाते हैं दुनिया का सबसे बड़ा पैनकेक। बेकिंग पाउडर देगा हमें एक फुला हुआ पैनकेक, बस थोड़ा सा चाहिए। मैडम गजेल ने कुछ ज्यादा ही बेकिंग पाउडर डाल दिया। पैनकेक बड़ा होते ही जा रहा है। मुझे नहीं लगता हम इसे खा सकते हैं बच्चों। पर ये तो शानदार ट्रैम्पोलिन बन गया है। पापा को पैनकेक डे पसंद आता है। सभी को पैनकेक डे पसंद आता है। आज पेपा और जॉर्ज क्रिसमस लंच बनाने में मदद कर रहे हैं। वो सब्जियों को नहला रहे हैं। हाँ, उन्हें चाहिए बार्ट टॉयज। ये लो सब्जियों। मैंने सब्जियां धोने को कहा था, मेरा ये मतलब नहीं था। मैंने आलू पका दिए हैं। क्यों ना तुम और जॉर्ज उन्हें मसल दो। अपने हाथों से नहीं, इनसे। ठीक है डैडी। अब आगे क्या करना है मम्मी पिग? हो गया। इतनी जल्दी हो गया?
तुमने तो आलू का इग्लू बना दिया, मजेदार है। अब केक को आइसिंग करने में मेरी मदद करो। हाँ प्लीज। थोड़ी सी हरी आइसिंग और थोड़ी थोड़ी सफेद आइसिंग लगा दो, ये मिसल्टो जैसा लगता है। हरे, हमारी बारी, हमारी बारी। ये लो पेपा, तुम पत्तियाँ बनाओ और जॉर्ज तुम ऐसे। वैसे ऐसे तो नहीं, लेकिन इसमें मिसल्टो से ज्यादा मजा है। ये तो लग रहा है एक स्नोमैन। ग्रैनी और ग्रैंडपा पिग क्रिसमस लंच पर आ रहे हैं। सभी को क्रिसमस मुफ्त। ओ ओ माँ। पेपा और जॉर्ज का क्रिसमस लंच ग्रैनी पिग की उम्मीद से ज्यादा उथल पुथल वाला था। पेपा और जॉर्ज ने क्रिसमस लंच बनाने में हमारी मदद की है। हम आम तौर पर ऐसा नहीं करते। नहीं, लेकिन इसमें ज्यादा मजा है। पेपा और उसका परिवार एक बढ़िया से क्रिसमस लंच का मजा ले रहे हैं। जिसमें खूब हंसी ठहाके हैं। और कुछ मजेदार नए रिवाज भी। हैप्पी क्रिसमस सबको। हैप्पी क्रिसमस। आज पेपा और उसका परिवार सुपरमार्केट में खरीदारी कर रहे हैं। गुड बाय सुपरमार्केट। क्या वो रोबोट है? नहीं पेपा, ये एक वेंडिंग मशीन है। हमें खाने पीने की चीजें लेने के लिए इसके अंदर पैसे डालने पड़ते हैं। क्या हम रोबोट से कुछ खरीद सकते हैं प्लीज? ठीक है, हम सब चुन सकते हैं एक एक खास ट्रीट। पेपा रोबोट वाली वेंडिंग मशीन से कुछ खरीदने के लिए काफी उत्साहित है। ये लो पेपा। गुड बाय सिक्के। अब उस चीज का बटन दबाओ जो तुम्हें पसंद हो। मैं पसंद करूंगी संतरे का जूस। ये रहा। अरे वाह, स्वादिष्ट। डायनासोर। जॉर्ज को डायनासोर की बनावट वाला बिस्किट मिला है। अब तुम्हारी बारी जॉर्ज। अब तुम वो बटन दबाओ जिस पर है डायनासोर। डायनासोर। मुझे लगता है मैं लूंगा वो वाली ड्रिंक। अरे ये तो फंस गया। डैडी पिग का ड्रिंक सैंडविच के पीछे फंस गया। सैंडविच बीच में आ गया, नटखट सैंडविच। हमें अब सैंडविच भी खरीदना होगा ताकि ड्रिंक भी इसके साथ नीचे गिर जाए। ओह, ये फिर से फंस गया। शरारती अनानास। चलो वो भी खरीद लेते हैं। देखो फिर से फंस गया। फिर से। आखिरकार ऊपर से गिरता हुआ ड्रिंक नीचे आ ही गया। अब मैं इसे आखिरकार पी सकता हूँ। ओहो, मेरा ड्रिंक तो एकदम फिजी हो गया। बेचारे डैडी। आप वेंडिंग मशीन से कुछ और क्यों नहीं चुनते? बढ़िया आइडिया है। ओह, वेंडिंग मशीन तो खाली हो गया है। इसलिए क्योंकि हमने सारी चीजें खरीद ली है। पेपा और उसका प्लेग्रुप आज खूब सारे गेम्स खेल रहे हैं।
मजा लगता है। सही। आहा, ये एक केले जैसा लग रहा है। फिर से सही। टीस भी केले जैसा लग रहा है। तुम्हारी बारी पेड्रो। लेकिन मुझे पिलपिली सी चीजें छूने में अच्छी नहीं लगती। कोई बात नहीं, हमारी पिलपिली चीजें स्वादिष्ट थी। ओ, ये ठंडा है और मेटल से बना है। क्या ये एक चाबी है? हाँ हाँ। शाबाश पेड्रो। ये हमारे मिस्ट्री बॉक्स की चाबी है। हमें इनाम तक पहुंचने के लिए दो और ढूंढनी होंगी। हम बाकी चाबियां कैसे ढूंढेंगे मैडम गिजेल? बेशक, अपने अगले गेम में। ये पिन्याटा है। इनके अंदर दिलचस्प सरप्राइजेस मिलेंगे। लेकिन ये कैसे करे? तुम्हें ने मार के खोलना है इस नाजुक फोम के बैट से। इसमें बर्फ ही बर्फ है। मेरा भी। दूसरी चाबी। बस अब एक और चाहिए। मुझे पास्ता पार्सल बहुत पसंद है। मुझे भी। मुझे भी। ओ, मुझे लगा मैं जीत गया। ये गाना तो बहुत ही लंबा है। ये क्या है? ओ, म्यूजिक रुक गया। अब पेपा और उसके दोस्तों को तीनों चाबियां मिल गई है। अब उनके इनाम पाने का समय है। क्रिसमस बिस्किट्स। यम। तुमने कर दिखाया पेपा। ने ये मिलकर किया है पेड्रो। आज पेपा और उसकी फैमिली बोटैनिकल गार्डन में घूम रही है। ओ, ये कितना लंबा है। वाह, क्या अच्छी खुशबू है। और वो वाला तो डैडी के सर तक आता है। पेचीदा रास्तों वाली बुलबुलैया की ओर बढ़ते रहो। हिम्मत हो तो अंदर आओ। ये क्या है मिस रैबिट? ये एक पेचीदा रास्तों वाली बुलबुलैया है। ये एक लंबा घुमावदार टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। आपको बीच में बड़ा फव्वारा ढूंढना होगा। पेपा और जॉर्ज को पेचीदे भूल भुलैया वाली बात रोमांचक लग रही है। मैं भूल भुलैया में कुछ हद तक माहिर हूँ। मैं शायद ही इसमें कभी खोया हूँ। गुड लक। तो फिर चलो। पेपा और उसकी फैमिली भूल भुलैया से होते हुए अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं, पर ये बहुत घुमावदार है। सभी को ये वाकई बहुत मजेदार लगता है। यहाँ जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। ओह डियर, हमें वापस जाना होगा। दूसरा तरीका आजमाना होगा। डैडी पिग। डैडी पिग, यहाँ पर हूँ मम्मी पिग। जॉर्ज और मैंने जरूर कोई गलत मोड़ ले लिया है। शायद हमें बीच में फवारे पर मिलना चाहिए। बढ़िया आइडिया है। रेस करो। देखो मम्मी, और बड़े फूल और छोटे वाले भी। पेपा और मम्मी पिग को भूल भुलैया में बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन डैडी और जॉर्ज थोड़े खो से गए हैं।
कोई बात नहीं जॉर्ज, जब तक हम इसे कर नहीं देते तब तक हार नहीं मानेंगे। ओह हेलो जॉर्ज, फवारा उस तरफ है, बड़े पत्तों वाले उन फूलों के पास। हुर्रे, चलो वहाँ चले। सभी भूल भुलैया के बीचों बीच आ गए हैं। अरे वाह, बहुत खूब, आपने भूल भुलैया के पहले भाग को जल्दी पूरा कर लिया। दूसरे भाग में क्या करना है? वापस जाने का रास्ता भी तो ढूंढना होगा। पेपा और उसकी फैमिली को पेचीदा झाड़ियों वाली भूल भुलैया में जाना बहुत अच्छा लगा, और बाहर जाने का रास्ता ढूंढना उन्हें और भी अच्छा लगने वाला है। ये क्रिसमस के पहले की शाम है और डैडी पिग क्रिसमस ट्री को कार में रख रहे हैं ताकि इसे घर ले जाकर सजाया जा सके। पेपा मदद कर रही है। पेपा? ओ? हमारे पास सजावट का सारा नया सामान है। बहुत बढ़िया, चलो अब घर चलते हैं। पेड़ को सजाने के लिए सब बहुत जोश में है। हम क्यों रुक गए डैडी? मुझे नहीं लगता कि हम इस पेड़ के साथ सुरंग में फिट हो पाएंगे। चलो धीरे से जाने की कोशिश करते हैं। अरे नहीं, पेड़ के पत्ते थोड़े गिर रहे हैं। हमें लंबे रास्ते से होकर जाना होगा। कार इतनी उछल क्यों रही है? सड़क पर लगे पेड़ हमारे कार के पेड़ से टकरा रहे हैं। अरे नहीं, शायद ये बिना पेड़ वाली सड़क सही रहेगी। इस सड़क पर कोई पेड़ नहीं है, इसलिए हवा क्रिसमस ट्री को उड़ा रही है। अरे नहीं, मुझे लगता है सारे पत्ते रास्ते में ही गिर गए होंगे। लेकिन हमें क्रिसमस के लिए पेड़ चाहिए। चिड़िया। जॉर्ज ने पेपा को एक आइडिया दिया है। हम अभी भी पेड़ को सजा सकते हैं और इसे क्रिसमस वाला पेड़ बना सकते हैं। ये कितना शानदार आइडिया है पेपा। पेपा और उसका परिवार अपने नए और खास तरह के क्रिसमस ट्री को सजाने में लग जाते हैं। हुरे, ये प्यारा लग रहा है। इस चिड़िया को भी क्रिसमस ट्री प्यारा लग रहा है। चिड़िया। बहुत बढ़िया पेपा, अब चिड़िया भी क्रिसमस मना सकती है। चिड़िया को अपना नया क्रिसमस ट्री बहुत पसंद है। सबको अपना नया क्रिसमस ट्री बहुत पसंद है। पेपा अपने दोस्तों के साथ बर्फ में खेलते हुए खूब मजे कर रही है। कितना ठंडा है। लेकिन वो जो भी खेल खेल रहे हैं उसमें वो अपने आप को ठंडी बर्फ से ढक रहे हैं। हेलो डैडी। पापा, तुम बर्फ से ढक चुकी हो। मुझे लगता है अब तुम्हें अंदर के गर्म माहौल में आ जाना चाहिए, नहीं तो तुम एक बर्फीली दानव में बदल जाओगी। बर्फीली दानव जैसी कोई चीज नहीं डैडी। क्या हम 5 मिनट और खेल सकते हैं? ओ ठीक है, 5 मिनट और। अरे बाप रे। पेपा और उसके दोस्त बर्फ में खूब सारे खेल खेल रहे हैं। उन्हें बर्फीले दानव बनने की बिल्कुल भी चिंता नहीं हो रही। चलो बर्फ की गेंद बनाकर खेलते हैं। मुझ पे नहीं फेंक पाओगे पेपा।
वो शोर कैसा था? ऐसी आवाज थी? क्या किसी ने मेरा चश्मा देखा है? एक बार फिर डालो। चलो छिप जाते हैं। अरे बाप रे। चलो यहाँ छिपते हैं। बर्फीला दानव हमें यहाँ नहीं ढूंढ पाएगा। बर्फीले दानव ने उन्हें ढूंढ लिया। पापा, ये तो मैं हूँ। ये बर्फीला दानव नहीं है। ये है डैडी पिग। मैंने कहा था ना, बर्फीले दानव जैसी कोई चीज नहीं होती। चलिए डैडी, हम आपको गर्मी में ले चलते हैं और ये बर्फ पिघला देते हैं। और रास्ते में मेरे चश्मे भी ढूंढ लेंगे। ओह, आपका चश्मा। थैंक यू सूजी। डैडी पिग घर के गर्म माहौल में वापस आकर बहुत खुश है। अब वो बर्फीले दानव बिल्कुल नहीं रहे। सारे लोग गर्मा गर्म हॉट चॉकलेट का मजा ले रहे हैं। बर्फीले दानव को भी हॉट चॉकलेट बहुत पसंद है।